तैयार हो जाओ अगले कुछ मिनटों में आंखों की टेस्टिंग करने के लिए। इस वीडियो में दिमाग को भ्रम में डालने वाले ऐसे ऐसे इमेजेस यानी तस्वीरों को देखोगे कि कुछ देर के लिए आपको आपकी देखी हुई चीजों पर यकीन ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार मैं इतनी सिंपल सी आसान चीज में कैसे फंस गया। आपको दिखाए गए तस्वीरों में छिपे हुए जानवर को ढूंढना है। वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाई जाएगी जिसमें छिपे हुए जानवर को 1000 में से सिर्फ 20-30 लोग ही ढूंढ पाते हैं। उस जानवर का नाम मैं एंड में बताऊंगा और वो इतने अच्छे तरीके से छिपा हुआ है कि काफी लोगों के ट्राई करने के बाद भी उन्हें वो जानवर नहीं दिखता। जैसा कि मैंने बताया 1000 में से सिर्फ 20-30 लोग। सारे के सारे फोटोज काफी तगड़े हैं और जनरली यानी आमतौर पर 10 में से 9 लोग यानी करीब 90% लोग वीडियो में दिखाए गए 25 तस्वीर में से सिर्फ 8-9 तस्वीरों में छिपे जानवर को ही ढूंढ पाते हैं। लेकिन क्या आप उन बचे हुए 10% लोगों में आते हैं जिनका दिमाग और आंख काफी शार्प है आम लोगों के मुकाबले? इसको पता लगाने का एक बेहद ही आसान तरीका है। इस वीडियो में आपको 25 तस्वीरें दिखाई जाएंगी तो आप कोई कॉपी और पेन ले लो या फिर कैसे भी करके ये याद रखना कि आपके पॉइंट्स कितने हुए। मान लो कि आपने कोई तस्वीर देखी और आप उसमें छिपे हुए जानवर को ढूंढ लेते हो तो आपको मिलेंगे 1 पॉइंट, यानी कि पूरे वीडियो में जितने जानवर को ढूंढ पाओगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको कॉमेंट करके बताना है अपने पॉइंट्स, जिससे ऑफकोर्स ये पता चलेगा कि आप 90% लोगों में से हो या फिर आपका ब्रेन शार्प है और आप बचे हुए 10% लोगों में आते हो। नाउ लेट्स बिगिन। और हाँ, जिस तस्वीर में छिपे हुए जानवर को ढूंढना थोड़ा आसान होगा बाकी के तस्वीरों के मुकाबले, उसमें आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे और बाकी की तस्वीरें जिनमें छिपे हुए जानवर को ढूंढना मुश्किल होगा उसमें आपको मिलेंगे 25 सेकंड्स। और ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हो। इस इमेज में एक शेर कहीं छिपा हुआ है। ध्यान से देखकर उस शेर को ढूंढ कर बताओ। आपको 25 सेकंड्स मिलेंगे ध्यान से देखना ताकि शुरुआत अच्छी हो। ओवर। क्या शेर मिला? शेर यहाँ पर है। तो शुरुआत एक पॉइंट के साथ हुआ या ऐसे ही? ये काफी मजेदार इमेज है। इसमें आपको ध्यान से 25 सेकंड्स के अंदर एक डियर यानी कि एक हिरन को ढूंढना है। शुरू हो जाओ। ओवर। तो क्या हिरन मिला? हिरन यहाँ है। ये शायद उतना भी मुश्किल नहीं था। यहाँ थोड़ा सस्पेंस होगा। आपको इन काले उजले लाइंस के पीछे छिपे हुए जानवर को ढूंढकर बताना है कि वो कौन सा जानवर है। मैं अभी छिपे हुए जानवर का नाम बताऊंगा नहीं तो सस्पेंस का मजा खराब हो जाएगा। आप खुद ध्यान से देखो और कमेंट करके बताओ कि आपको इन काले उजले लाइंस के पीछे कौन सा जानवर दिखा। कमेंट में नाम बताना। और हाँ, एक टिप, अपने सिर को आगे पीछे करोगे जल्दी जल्दी इसे देखने वक्त तो शायद उसे देखने में आसानी होगी। इस आम सी दिखने वाली इमेज में एक बिल्ली यानी कि एक कैट कहीं छिपी हुई है। गौर से देखो और 25 सेकंड्स के अंदर उस बिल्ली का पता लगाओ। तो क्या बिल्ली मिली? बिल्ली यहाँ साइड में इस बिजली के पोल के बगल में आराम से बैठी है। इस इमेज में आपको सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे क्योंकि ये बाकी के तस्वीरों के मुकाबले थोड़ा आसान है। तो 10 सेकंड्स के अंदर इस इमेज में एक जिराफ को ढूंढ कर बताओ। सही से ढूंढना क्योंकि यहाँ एक पॉइंट आसानी से बढ़ सकता है। स्टार्ट। ओवर। जिराफ यहाँ है। यहाँ काफी लोगों के पॉइंट्स बढ़े होंगे। इस इमेज के लिए भी आपको 10 सेकंड्स ही मिलेंगे क्योंकि ये भी काफी आसान है। काफी आसान। 10 सेकंड्स के अंदर एक छिपकली को ढूंढ कर बताओ। ओके, तो छिपकली यहाँ है। और भाई अगर यहाँ पॉइंट नहीं बढ़ा तो फिर तो क्या ही कहने। इस खूबसूरत सी इमेज में आपको छिपे हुए एक खूंखार भालू को ढूंढना है। गौर से देखकर 25 सेकंड्स के अंदर ढूंढो उस भालू को।
भालू मिला, भालू यहाँ छिपा हुआ है, काफी सही तरीके से छिपा हुआ है ये भालू। ये थोड़ा हार्ड था राइट, स्कोर्स नोट करते रहना। ये इमेज है एक रूम का, बिल्कुल हमारे रूम जैसा, सारी चीजें बिखरी हुई हैं, पर आपको यहाँ इसी रूम में छिपी हुई बिल्ली यानी कि एक कैट को ढूंढना है 25 सेकंड्स के अंदर। मजा आएगा, शुरू हो जाओ। ओवर। तो बिखरे हुए सामान के बीच में बिल्ली को ढूंढ पाए या नहीं, बिल्ली यहाँ है, यहाँ नीचे। अरे ये काफी ट्रिकी था और इसमें काफी लोग फंसे होंगे। इस इमेज में भी एक बिल्ली छिपी हुई है। इन टेडी बियर्स और बाकी के स्टफ्ड एनिमल्स के बीच में 10 सेकंड्स के अंदर ढूंढ कर पता लगाओ कि वो बिल्ली किधर है। 10 सेकंड्स। बिल्ली मिली, बिल्ली यहाँ पर है, बेचारी किसी चीज से डर कर छिपी हुई है। ओके, तो यहाँ आपको छिपे हुए एक तेंदुए को ढूंढना है, आपको मिलेंगे 25 सेकंड्स और गौर से ढूंढोगे तो ही मिलेगा वो तेंदुआ। शुरू हो जाओ। ओवर। तो क्या आपको वो तेंदुआ मिला? तेंदुआ यहाँ इस चट्टान पर बैठा हुआ है। तेंदुआ कुछ लोगों को तो मिला होगा, पर आई थिंक ज्यादा लोगों को नहीं, क्योंकि ये शायद थोड़ा टफ था। अब आगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है, पर आगे देखने के पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि भाई आगे आप लोग वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाओगे, इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। यहाँ इन बर्फीली चट्टानों में एक टाइगर यानी कि एक बाघ छिपा हुआ है, आपको 25 सेकंड्स के अंदर उस टाइगर को खोजना है। शुरू हो जाओ। ओवर। तो टाइगर मिला या नहीं? असल में टाइगर इधर है, था तो ये बिल्कुल सामने ही, पर इसका रंग आसपास के चट्टानों के रंग से इतना ज्यादा मिलता जुलता था कि आपकी आंखें धोखा खा गई। इस इमेज के लिए आपके पास है 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स के अंदर इस इमेज में छिपे हुए जानवर को ढूंढना है। स्टार्ट। ओके, तो इस इमेज में छिपा था हिरन, ये काफी इजी भी था और यहाँ आपका पॉइंट बढ़ा भी होगा। यहाँ इस इमेज में एक जानवर छिपा हुआ है, आप गौर से देखोगे तो वो जानवर आपको आसानी से दिख जाएगा, कमेंट करके नाम बताना। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए ध्यान से गौर से ढूंढना। यहाँ आपको मिलेंगे 25 सेकंड्स, ज्यादा टाइम के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हो। इस इमेज में एक डॉग यानी कि एक कुत्ता छिपा हुआ है और आपको उसी का पता लगाना है। स्टार्ट। ओवर। गौर से देखने पर डॉग शायद मिल गया होगा, वो यहाँ है। ये शायद थोड़ा ज्यादा टफ था और यहाँ काफी लोग फंसे होंगे। ओके, तो इस इमेज में एक तेंदुआ है जिसे ढूंढने वक्त मेरा दिमाग भी खराब हो गया था, मिल ही नहीं रहा था, पर फिर पता चला कि वो तेंदुआ तो बिल्कुल सामने ही है, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही आपको यहाँ इस इमेज में तेंदुआ मिल पाएगा। शुरू हो जाओ।
तेंदुआ यहाँ पर है। आई एम श्योर इस इमेज में तेंदुआ ढूंढना काफी लोगों के लिए मुश्किल था। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करके उनका स्कोर भी पूछ सकते हो और फिर कंपेयर कर सकते हो कि किसका स्कोर ज्यादा आया। इस इमेज में आपको इस रेगिस्तान में छिपे हुए न्यूबियन आइबेक्स जो कि एक रेगिस्तानी बकरी है उसे खोजना है। 10 सेकेंड्स का टाइम है। न्यूबियन आइबेक्स तो मिल ही गया होगा, ये शायद इस वीडियो का सबसे आसान इमेज था। यहाँ इन पत्थरों में एक अमेरिकन पिका जो कि खरगोश की प्रजाति का एक जानवर होता है वो छिपा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपके पास 25 सेकंड से अमेरिकन पिका को खोजने के लिए। स्टार्ट। ओवर। अमेरिकन पिका मिला या नहीं? वेल, वो यहाँ है। ये खरगोश की प्रजाति के जानवर होते हैं। ये भी काफी मजेदार इमेज है और यहाँ काफी लोगों का पॉइंट कम होने वाला है। इस इमेज में बत्तख यानी कि डक्स छिपे हुए हैं, उन्हें 25 सेकेंड्स के अंदर ढूंढना है। तो बत्तख मिले या नहीं? बत्तख यहाँ पर हैं। यहाँ एक नहीं बल्कि दो बत्तख हैं और तब भी काफी सारे लोग फंसे होंगे। स्कोर्स नोट करते रहना। 10 सेकंड्स के अंदर इस इमेज में एक चिड़िया को ढूंढ कर बताओ। ये रहा तोता यानी पैरट। मैं नाम बता देता चिड़िया का तो मजा खराब हो जाता। इस इमेज में गिरगिट बहुत ही अच्छे तरीके से छिपा हुआ है। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए गौर से ढूंढना। और हाँ, एक छोटा सा टिप, ये तो जानते ही होगे कि गिरगिट रंग बदल लेते हैं अपने आसपास के चीजों के रंग के जैसे, तो इस बात को दिमाग में रख कर ये पता लगाओ कि इस इमेज में गिरगिट किधर है। गिरगिट मिला या अभी भी ढूंढ रहे हो? असल में वो यहाँ है। देखो वो कितने अच्छे तरीके से अपने आसपास पड़े इन पत्तों के रंग में बदल चुका है। यहाँ पॉइंट बढ़ा क्या? ये बाकी के तस्वीरों के मुकाबले थोड़ा आसान है इसलिए अगेन यहाँ आपको मिलेंगे 10 सेकंड्स। आपको ढूंढना है छिपा हुआ उल्लू। ये काफी आसान था राइट? उल्लू यहाँ पर है। ओके, तो पिछला वाला आसान था पर यहाँ अगेन आपको गौर से छिपे हुए पक्षी को ढूंढना है, छिपे हुए बर्ड को ढूंढना है और आपको मिलेंगे 25 सेकंड्स। एंड अगेन ज्यादा टाइम के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो, शुरू हो जाओ। वो पक्षी यानी कि वो चिड़िया यहाँ पर है। ये देखो, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब ये जितने भी इमेजेस हैं यहाँ आपके पॉइंट शायद उतने ज्यादा न बढ़े लेकिन ये काफी मजेदार है। जैसे कि आपको इस इमेज में एक नहीं बल्कि दो दो उल्लू यानी कि ओल को ढूंढना है। 25 सेकंड्स का टाइम है, ध्यान से ढूंढना, शुरू हो जाओ। दोनों उल्लू यहाँ एक साथ हैं। इनका रंग भी आसपास के पत्तों और जमीन के रंग जैसा ही है। यहाँ पर आपको एक बकरी यानी कि एक गोट को ढूंढना है। आपके पास 25 सेकंड्स का टाइम होगा, शुरू किया जाए।
ओवर। बकरी है यहाँ पर, आपको मिली थी क्या ये बकरी? तो अब आती है बारी उस इमेज की जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। एक ऐसा इमेज जिसमें छिपे हुए बिल्ली को हजार में से सिर्फ 20-30 लोग ही ढूंढ पाते हैं, और मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो बिल्ली एक बार में मिली ही नहीं थी। आपको भले ही यहाँ सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, लेकिन आप वीडियो पॉज करके आराम से ढूंढ लेना एंड कमेंट में बताना कि बिल्ली मिली या आम लोगों की तरह आप भी इस इमेज में बिल्ली नहीं ढूंढ पाए। तो दोस्त, क्या रहा आपका स्कोर, कितने पॉइंट्स हुए आपके? कमेंट करके सच्ची वाला पॉइंट बताइएगा जरूर। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपना स्कोर बता सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर याद से कर देना ब्रो।